संघर्ष की बात अगर है, पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने को लेकर जो बात है, उसके लिए संघर्ष आप लोगों को करना पड़ेगा, हम लोगों को करना पड़ेगा और मिलकर करना पड़ेगा। मैं इस देवभूमि उत्तराखंड का एक सच्चा नागरिक हूँ। हम लोगों ने लंबे समय से अपनी इस पुलिस भर्ती के लिए। दोस्तों नमस्कार, खबर चक्र केसी में आपका पुनः स्वागत है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ लगातार पुलिस कांस्टेबल भर्ती में उम्र सीमा बढ़ाने की मांग कर रहा है। इस हेतु उत्तराखंड बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष राम कंडवाल ने 13 दिन का अनशन भी किया था और उत्तराखंड बेरोजगार संघ के दो युवा परेड ग्राउंड स्थित पानी की जर्जर टंकी के ऊपर भी चढ़ गए थे। पूरी रात उन्होंने पानी की टंकी के ऊपर बिताई और अपनी मांगों को मनवाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने का आग्रह भी किया। बेरोजगार संघ का कहना है कि यदि 18 से 22 वर्ष का युवा जो क्राइटेरिया पूरा कर रहा है, यदि वही क्राइटेरिया 27-28 साल का युवा पूरा करता है, उन्हीं मानकों को पूरा करता है, तो आखिर सरकार को इसमें क्या दिक्कत है। डीजीपी अभिनव कुमार से भी कुछ दिन पहले बेरोजगार संघ की मुलाकात हुई थी। बीते दिन बेरोजगार संघ के अनेकों युवा देहरादून के गांधी पार्क में एकत्रित हुए और उन्होंने प्रतिज्ञा भी ली और सरकार को ये चेतावनी दी है कि यदि 8 नवंबर तक पुलिस कांस्टेबल के लिए उम्र सीमा नहीं बढ़ाई जाती है तो 9 नवंबर यानी राज्य स्थापना दिवस के दिन वो मुख्यमंत्री आवास का कूच करेंगे, घेराव करेंगे। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार क्या कुछ कह रहे हैं आप वीडियो में आगे सुनेंगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके अपने विचार अवश्य रखिएगा और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। बॉबी पवार क्या कुछ कह रहे हैं, युवाओं के बीच किस प्रकार से अपनी बात रख रहे हैं, आप इस वीडियो में विस्तार से सुनिएगा। वीडियो में थोड़ा नॉइस जरूर है लेकिन बॉबी पवार की बातों पर ध्यान दीजिएगा। बॉबी पवार क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। 16 या 17 पूछ जाओगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे यार। वो क्राइटेरिया अगर 19, 20 और 21 साल 22 साल का युवा पूरा कर रहा है और अगर 28 और 30 साल का युवा पूरा कर रहा है तो उनमें दिक्कत क्या है। आपने जो मानक रखे वो तो पूरा कर रहा है। वो सीनियरिटी बेस पे या एक्टोर से या सिपाही से आपसे फिजिकल से आगे तो नहीं निकल रहा है, वो अपने शरीर को तपा रहा है और वो उसी क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है जो आप 19 साल का लड़का पूरा कर रहा हो, 22 साल का लड़का पूरा कर रहा हो, तो उसमें हर्ज क्या है। ये जो क्राइटेरिया रखा गया है 18 से 22 वर्ष का, ये क्राइटेरिया तब का है जब उत्तराखंड पुलिस में हाईस्कूल बेस पे भर्तियां होती थी। सबसे बड़ी चूक तो ये है इस प्रदेश सरकार की, वो सरकार किसी भी सरकार पार्टी की रही है, जब इन्होंने क्राइटेरिया को हाई स्कूल से इंटरमीडिएट किया था 2 साल तत्काल उसी समय ये आयु सीमा बढ़ती जानी चाहिए थी, जो हमेशा के लिए हो जाती है। और ये गलतियाँ सरकारों की है और इन गलतियों का खामियाजा हमारा प्रदेश का युवा भुगत रहा है। अगर हाई स्कूल बेस पे 22 साल ली जाती थी तो जब इंटर किया तो 24 तो ऑलरेडी होनी चाहिए थी और इन्होंने नहीं की। जो एक जेन्युइन मामला था, जो एक बिल्कुल जायज था, इन्होंने नहीं किया और हम आज भी संज्ञान में डाल रहे हैं कि जो हाई स्कूल बेस पे भर्तियाँ होगी कि अगर इंटर बेस पे हुई है तो 2 साल तो ऑलरेडी बढ़ना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अब जिसने एक भी भर्ती आज तक नहीं दी है, मैं वही कह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा नुकसान तो जनरल का ही है, जिसने एक भी भर्ती अगर नहीं दी है, इसे अवसर ही नहीं दिया गया है, उस व्यक्ति को कैसे बोलोगे कि ये कामयाब है या नाकामयाब है। तो सही कह रहा तुम राम भाई, और दो भाई लोग हैं तुम्हारे साथ, हो जाएंगे जिस भी भाग में जाना है, जिस चीज का भी करना है, तुम हमारे तो सही सपोर्ट के लिए उनके समाज की नजर में तुम नाकामयाब हो, पर किस लिए? सिस्टम की गलती के कारण यार। जब मुझे अवसर नहीं दिया गया, जब भाई अवसर नहीं दिया गया, जब से एक बार भर्ती नहीं मारने दी, बहुत अच्छी थी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई हमारे ये लड़ाइयाँ आप लोगों ने पहले भी लड़ी है और आपके जो सीनियर लोग थे आज अच्छे अच्छे पदों पर बैठे, इस प्लेटफॉर्म से, इस प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ जो उत्तराखंड बेरोजगार संघ का, देहरादून के लड़के लड़कियाँ सब उत्तराखंड के छात्रों का है जो हमेशा से उनके हितों में काम कर रहे हैं। गर्ल्स की भी आनी चाहिए, आप लोग जो इस संगठन के पदाधिकारी रह चुके हैं आज अच्छे अच्छे पदों पर बैठे। अभी हाल ही में पीसीएम का भी चक्कर
तमाम ऐसे लोग जो इस संगठन से निकल करके गए और आज अच्छी स्थिति में अच्छे पोजीशन में भागो के ऊपर बैठे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे से जब हमारे सीनियर लोग जो संघर्ष कर रहे थे उसमें एक युवा जो आज बॉडी में तैनात है उन्होंने एक रैली का नेतृत्व किया और गनीमत देखिए उनका संघर्ष देखिए। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, LIU वगैरह है, रडार पर और मैं इतना बताना चाहता हूँ बॉडी में तैनात है और हमसे पूर्व में जब मैंने नेतृत्व शुरू किया 2018 से उससे पूर्व उन्होंने नेतृत्व किया था और नेतृत्व करने के साथ साथ उन्होंने 2 से 3 रैलियां निकाली विज्ञापन जारी करने के लिए पर्चा करवाने के लिए और संघर्ष देखिए सड़कों पर संघर्ष किया और जब रिजल्ट निकला तो प्रदेश का टॉपर वही व्यक्ति अच्छे नियत से और सच्चाई के बल पर जो संघर्ष किया जाता है तो कहीं ना कहीं मंजिल तक पहुंचता है यह तय मानिए। वो मंजिल कौन सी होती है वो बात अलग है पर आज संघर्ष की बात अगर है पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने को लेकर जो बात है उसके लिए संघर्ष आप लोगों को करना पड़ेगा, हम लोगों को करना पड़ेगा और मिलकर करना पड़ेगा। आज अगर छोटी सी कॉल पर एक बैठक के लिए इतनी संख्या यहाँ पर उपस्थित है तो मुझे विश्वास है कि जिस दिन हम रैली का आगाज करेंगे रैली के आह्वान करेंगे उस दिन ये देहरादून भी जाम होगा क्योंकि इतने सारे लोग मुझे याद है कि पिछले जब यहाँ पर 9 फरवरी वाला जो कांड हुआ था गांधी पार्क के बाहर उससे 5 दिन जो यहाँ इसी गांधी पार्क में बैठक की गई थी उसमें इतनी भीड़ थी और उसमें तमाम युवाओं ने अपनी बात रखी थी कि ऐसा होना चाहिए और उसमें यह फैसला लिया गया था कि 8 तारीख से हम यहाँ पर जो गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह शुरू करेंगे और 8 तारीख को हमने सत्याग्रह शुरू किया। पूरे दिन भर सत्याग्रह चला, रात को भी यहीं बैठे रहे, रात को 12-1 बजे करीबन पुलिस ने जिस प्रकार से बदतमीजी की जिस प्रकार से उन्होंने जबरदस्ती हम लोगों को दबाना चाहा या ये कहें कि कुचलना चाहा तो उसका जो नतीजा 9 तारीख को था वो आज सब भली भांति परिचित है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि संघर्ष करने के लिए हम लोगों के बीच में से ही संघर्ष करना पड़ेगा, नेतृत्व करने के लिए आप लोगों को ही नेतृत्व करना पड़ेगा। भाई संसार में अगर जन्म लिया है तो नेतृत्व क्षमता तो हर एक व्यक्ति में होनी चाहिए। कोई व्यक्ति परिवार का नेतृत्व करता है, कोई व्यक्ति अपने स्कूल का नेतृत्व करता है, कोई कॉलेज का नेतृत्व करता है, कोई गांव का नेतृत्व करता है, कोई क्षेत्र का नेतृत्व करता है, कोई विधानसभा का करता है, कोई संसदीय का करता है, पर कोई प्रदेश का करता है, कोई देश का करता है, पर नेतृत्व तो करता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि नेतृत्व आप लोगों को ही करना पड़ेगा, नेतृत्व आप लोगों को करना पड़ेगा और उस नेतृत्व में ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि ये प्रदेश का युवा कोई नाजायज मांग नहीं मांग रहा है, एक जायज मांग मांग रहा है और एक ऐसा युवा मांग रहा है जिसमें अभी तक एक भर्ती भी नहीं हुई, जिसे मौका ही नहीं दिया गया है, ऐसा युवा भी भर्ती मांग रहा है। तो अभी राम भाई वगैरह ने जो कहा परसों जब सिटी से मिलने गए तो उन्होंने कहा कि आश्वासन दिया, जहाँ तक मेरे संज्ञान में बात है आश्वासन दिया, आश्वासनों के बल पर बातें नहीं मानी, आश्वासनों के बल पर हम पहले भी ठगे जा चुके हैं और अगर आज स्थिति यहाँ तक पहुँची है कि विज्ञप्ति जारी हो जाती है और आयु सीमा नहीं बढ़ती है तो ये आश्वासनों का ही कमाल है। राम भाई 13 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे, वो 13वें दिन चक्कर खाकर गिर गए और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा, पर उसके बाद जब CM मिले तो उन्होंने आश्वासन दिया। तो यार प्रदेश का मुख्यमंत्री आश्वासन दे रहा है और तुम्हारा एक अदना सा एक कर्मचारी वहाँ से विज्ञप्ति निकाल दे रहा है और कह रहे हैं कि हो गया 18 से 22 हो गई, क्या इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई हैसियत नहीं है? क्या उनके द्वारा जो बात बोली जा रही है क्या उन, क्योंकि होता क्या है ये तो आज की राजनीति में हो गया है। पूर्व में आपके जो सीनियर है आपके जो गार्जियन है उनसे पूछना, प्रदेश का मुख्यमंत्री या देश का प्रधानमंत्री जब भी किसी मंच से कोई बात बोलता था वो सत्य तो होती थी, वो एक शासनादेश में परिवर्तित हो जाती थी, जो बोली जाती थी उसका शासनादेश बन जाता था कि ये मुख्यमंत्री ने उस मंच से बोला, रे शासनादेश इसको लागू करो, पर आज तो ठगे जा रहे हैं। पर अगर आश्वासन के भरोसे रहेंगे,
अगर हम और आप ये सोचेंगे कि चलो बढ़ जाएगी, तो ये मानना ना तो एज बढ़ेगी और ना हमारा संघर्ष फूलेगा ना सफल होगा। हमें एज बढ़ानी है, ये तय कर लो कि कितने तारीख तक का अल्टीमेटम देना है और उस अल्टीमेटम में क्या क्या बातें करनी है, ये सारे लोग आप लोग तय कर लो। और जैसा कोई निष्पक्ष निकलता है, और जैसा मैं सुन रहा था कि कह रहे कि 8 तारीख तक का अल्टीमेटम दे देते हैं, तो निश्चित तौर पर 8 तारीख तक का अल्टीमेटम देना चाहिए, क्योंकि 9 तारीख तो एक इस प्रदेश में बड़ी तारीख है, एक बड़ा दिन है, बड़ा दिवस है इस प्रदेश। ये प्रदेश जब हमें मिला तो वो 9 नवंबर को ही मिला था 2000 में, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा एक दिन है। और इस दिन अगर यहाँ के निवासी, यहाँ के युवा, जिनके पूर्वजों ने, जिनके अभिभावकों ने इस प्रदेश को बनाने में गोलियाँ खाई, शहीद हुए, जेल गए, लाठियां खाई, तमाम प्रकार की प्रताड़नाएं झेली, अगर उनके बच्चों के लिए सरकार इस प्रकार की कोई मांग पूरी नहीं कर पा रही है, तो मैं समझता हूं कि 9 तारीख का दिन बहुत बेहतर दिन है। और उस तारीख के लिए 8 तारीख तक का अल्टीमेटम दे दीजिए, 8 तारीख तक कुछ नहीं होता है, तो 9 तारीख के लिए सभी तैयार है पूरी करके। ज्यादा ना कहते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग एक बार आपसी जो तालमेल है उसे पूरा कर लीजिए कि 8 तारीख तक की जो डेडलाइन है हमारी, उसका जो अल्टीमेटम है उसे पूरा कर दिया जाए, क्योंकि इसके बाद राम भाई अगर बोलेंगे तो पूरी बात को रखेंगे हम भी। इसके बाद आप लोगों के से राय मशवरा लेके पूरी वो करेंगे, पर ऐसा नहीं है कि अगर आज हमने डेडलाइन दे दी है कि 9 तारीख को करेंगे, तो हमें तैयारियां पूरी करनी है, तैयारियां 100% पूरी करनी है। अगर 8 तारीख तक मांगे पूरी हो जाती है तो हमारे सभी युवा अपने कोचिंग में, लाइब्रेरी में बैठकर, घर में बैठकर तैयारियां करेंगे, और अगर नहीं होती है तो 9 तारीख को सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। इसलिए कहूँगा कि ये सारी जायज मांग है और इसको लेकर हमें निराशा आज तक हाथ लगी है, पूर्व के भर्ती में भी, अभी के भर्ती में भी, और इसके लिए इतना लंबा संघर्ष किया है, इसे आगे अधूरे में छोड़ दें, इसको हम पूरा करेंगे, सब मिलकर करेंगे। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। मैं इस देवभूमि उत्तराखंड का एक सच्चा नागरिक हूँ। हम लोगों ने लंबे समय से अपनी इस पुलिस भर्ती के लिए आयु सीमा बढ़ाने के लिए लंबा संघर्ष किया है, और आज हमारे हाथ जो निराशा लगी है उस निराशा से आहत होकर मैं संकल्प लेता हूँ कि उत्तराखंड सरकार यदि हमारी मांग को 8 नवंबर 2024 को पूरा नहीं करती है